देखिए फर्स्ट ईयर और इंटर के लिए, ठीक है, ये एग्जाम पे आता है फर्स्ट ईयर और इंटर के लिए, क्या कि उस पे आते हैं सैनोनियम्स, क्या आते हैं सैनोनियम्स। तो बच्चे बोलते हैं कि सैनोनियम्स हम लोग रट्टा मारते हैं, किस प्रकार से हम लोग याद नहीं कर पाते हैं सैनोनियम्स को। तो हम लोग देखते हैं उसके लिए क्या ट्रिकें होती हैं कि सैनोनियम्स हम लोग किस बेस से हम लोग उनको आसानी से याद कर सकते हैं, कंपटीशन के लिए हो या फिर किसी की फर्स्ट ईयर इंटर की कोई भी बोर्ड के लिए हो। तो वहाँ पर हम लोग जो देखते हैं कि सैनोनियम्स जो आते हैं उनके लिए बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। तो कैसे हम लोग देखते हैं, तैयार करते हैं हम लोग सैनोनियम्स को। सैनोनियम्स हैं क्या ये? सैनोनियम्स को ही हम लोग अप्रोक्सी मीनिंग के नाम से जानते हैं, या सेम मीनिंग या सिमिलरिटी जो होती है, जो सेम होते हैं उनके लिए हम लोग जो उनको बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं सैनोनियम्स, जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची। क्या बोलते हैं? अब देखते हैं क्या है, जैसे कि लिखा हुआ पी क्यू, यूटोपिया, कॉस, पिटी, मिटिगेट, लामेंट, मोरोस, वरेट, एडवर्सिटी, अपराइट, वर्सिटी, और क्या लिखा हुआ, मॉर्बिडो, डेस्मिच, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, मॉडिफाइड और एसवाइल। पहला जो लिखा हुआ है पी क्यू, क्या लिखा हुआ है, पहला जो वर्ड है पी क्यू लिखा हुआ है। अब हम लोग उसको पी क्यू को किस माध्यम से हम लोग याद करेंगे, ये अगर कोई पूछेगा व्हाट इज अप्रोक्सी मीनिंग पी क्यू, पी क्यू की अप्रोक्सी मीनिंग अर्थात पी क्यू की पर्यायवाची जो होगी वो क्या होगी, तो हम लोग कैसे पी क्यू को याद रखेंगे या कैसे यूटोपिया को याद रखेंगे, कॉस के लिए क्या होगा या फिर पिटी के लिए क्या होगा। तो पहला जो वर्ड है उसके लिए हमने बताया पी क्यू। कोई बोल सकता है पी क्यू क्या है? तो पी क्यू के लिए हम लोग देखते हैं पी क्यू, देखते हैं सपोज करते हैं देखते हैं पी क्यू वाइफ और हस्बैंड, ठीक है। तो ये बोल रहा था कि मैं कभी भी क्या, ठीक है, ड्रिंक नहीं करता। अब एक दिन क्या हुआ, इसने क्या कर लिया पी, क्या लिखा हुआ पी, और जो पी, तो ये जो वाइफ डब्ल्यू बोले वाइफ, ये क्या हो गई एंग्री, क्या हो गई एंग्री। अब जब देखा ये एंग्री क्यों है तो बोला कि क्यों एंग्री हो, तो उसने बोला पी क्यों, क्या बोला पी और क्यों, मतलब क्यों पी, मैं तुमसे क्या हूं एंग्री, क्या हूं एंग्री, ठीक है, क्या है पी क्यों, मतलब क्यों पी, मैं तुमसे क्यों एंग्री। अब अगर पूछ सकते हैं व्हाट इज अप्रोक्सी मीनिंग पी क्यू, पी क्यू की अप्रोक्सी मीनिंग क्या होगी, तो पी क्यू को हम लोग बोलते हैं क्रोधित होना, नाराज होना। एंग्री को भी बोलते हैं हम लोग नाराज होना या फिर क्रोधित होना, ठीक है। पी क्यू को हम लोग किससे याद रखेंगे, एंग्री से। देन देखते हैं यूटोपिया, क्या लिखा हुआ यूटोपिया, देखो यूटोपिया लिखा हुआ है, दूसरी जो है तुम्हारी क्या है यूटोपिया, समझ रहे हैं कैसे याद कर रहे हैं। देखते हैं, मान रहे हैं कि ये जो डब्ल्यू और एच है, ठीक है, ये क्या हो गए डेथ हो गए, मतलब दोनों लोग खत्म हो गए, लेकिन कौन कभी नहीं मरता, वो जो होती साउल होती आत्मा, तो इनकी आत्मा बोल रही थी कि ये हे भगवान मैं कहां जाऊं, पैराडाइज जाऊं, पैराडाइज बोले या फिर हम लोग हैवन बोले, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं स्वर्ग, क्या बोलते हैं स्वर्ग। तो बोला ठीक है, लेकिन स्वर्ग बहुत ही दूर, तो उसने बोला क्या किया जाए, तो बोला कि जब वो क्या आ जाए स्वर्ग आ जाए तो मुझको क्या कर लेना, जगा लेना। तो वो पत्नी बोली ठीक है, तो क्या हुआ स्वर्ग क्या हुआ, जब आया तो ये क्या बोल रही है, देखो उठो, क्या लिखा हुआ है उठो और कौन पिया, कौन उठो पिया, क्या आ गया स्वर्ग आ गया, क्या आ गया स्वर्ग। उसने क्या शर्त रखी कि जब स्वर्ग आ जाए तो उनको क्या कर लेना, उठा लेना। तो क्या लिखा हुआ है उठो पिया, क्या आ गया स्वर्ग आ गया। तो वहां पर ये लिखा हुआ है यूटोपिया, लेकिन याद रखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बोलेंगे, ठीक है। थर्ड पे देखते हैं हम लोगों कॉस, क्या लिखा हुआ है कॉस, कॉस के लिए क्या लिखा हुआ, ये कॉस क्या है, ठीक है। अब कॉस के लिए हम लोग देखते हैं, एक बच्चा था, एक कौन था बच्चा, ये बिना पढ़े इंटरेस्ट जब क्लास किया उसने, तो जब मेरिट के लिए देखा तो उस पर जब उसको आउट किया गया तो उसने बोला कॉस मैं तैयारी की होता तो मुझको रिजेक्ट ना किया जाता,
रिजेक्ट जो होता है, अगर पूछेंगे वर्ड जो अप्रोक्सीमेट रिजेक्ट मीन्स निकाल देना, तो वहां के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा या कॉस्ट के लिए आ जाएगा, तो उसके नाम बोलते हैं रिजेक्ट। पिटी देखते हैं, एक लड़की थी, मान लें ये कौन है लड़की, वो इतना पिटी, इतना पिटी कि जो लोग भी देख रहे थे वो लड़की क्या हुई, इतना पिटी, इतना पिटी कि जो लोग देख रहे थे उनको देख करके क्या आ गई, मर्सी। मर्सी को हम लोग बोलते हैं दया, क्या बोलते हैं मर्सी को, दया। थर्ड पे देखते हैं लामेंट, क्या लिखा हुआ है लामेंट, क्या लिखा हुआ है ये ला और ये क्या लिखा हुआ है मेंट, ठीक है। छोटा बच्चा अगर उसके यहां कोई आता है, वैसे मिंट का मतलब होता है पुदीने से होता है, आई अगर यहां पे जोड़ देंगे इको हटा करके, तो सपोज करते हैं जब बच्चा दुकान के शॉप पे जाता है लेने क्या पुदीना, और वहां पर कोई बड़ा दोस्त या कोई भी अगर मिल गया उसको छीनने के लिए बोला लामेंट, तो बच्चा क्या हो जाएगा सैड मींस दुखी। लामेंट का मतलब होता है दुखी होना, क्या होता है दुखी होना, और सैड का मतलब भी होता है दुखी होना। पेपर में किस प्रकार से आएगा, पेपर के लिए अगर ये सैड आया तो वहां पर हम लोग लामेंट जोड़ सकते हैं, या मर्सी आया पिटी हो जाएगा। अब देखते हैं मिटिगेट, क्या लिखा हुआ है मिटिगेट। छोटा सा बच्चा वो बहुत रो रहा था, क्या कर रहा था बहुत रो रहा था, उसको गेट चाहिए था, क्या गेट, तो उसके डैडी ने कैसा गेट, मिट्टी का गेट दिया और बोले अब तुम क्या हो जाओ शांत हो जाओ, मीन्स कॉम, क्या कॉम। मिटिगेट का मतलब होता है शांत होना और कॉम का मतलब भी होता है शांत होना। कैसे हम लोग कॉम के लिए अगर देखेंगे तो कॉम को लिए हम लोग देख सकते हैं मिटिगेट हो जाएगा, और या फिर मिटिगेट होने के लिए बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। इसकी अप्रोक्सीमेटिंग अगर हो जाएगी तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं मोरोस, क्या लिखा हुआ है मोरोज, जो लोग माउथ मींस मुंह नहीं डेली होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही सैड होते हैं मींस दुखी। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या वर एट, ठीक है वर, ये क्या लिखा हुआ है वर, और ये क्या लिखा हुआ है एट। एट का मतलब क्या होता है खाने से होता है, एट का मतलब क्या होता है खाना, और वर जिसको हम लोग जानते हैं दूल्हे के नाम से, ठीक है वर क्या होते हैं दूल्हे बोलते ना, तो उसी की शादी थी अर्थात दूल्हे को ही शादी थी, किसकी शादी दूल्हे की, वर की शादी थी, और वर को ही क्या ना मिला एट ना मिला मींस खाना ना मिला, तो वो क्या हो गया स्कॉल्ड, सबको क्या करने लगा डांटने लगा, क्यों उसी की शादी उसी को खाना नहीं, तो क्या करना स्कॉल्ड, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग देखते हैं वर एट के लिए अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगी, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे स्कॉल्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट लिखा हुआ है एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, ये एडवर्सिटी क्या होता है, इस स्कॉल्ड को बच्चे हम लोग बोलते हैं डांटने के अर्थ बोलते हैं डांटना। एडवर्सिटी क्या, एक लड़की ने क्या निकाला एड निकाला, क्या वर चाहिए किसके लिए, कहां कौन चाहिए सिटी का, फिर से देखिए एड निकाला उसको क्या चाहिए वर चाहिए, और वर कहां का होना चाहिए सिटी का, कहां का सिटी का एडवर्सिटी, तो वहां पर देखते हैं एडवर्सिटी क्या है, क्या एडवर्सिटी, तो वहां पर जो लड़की ने ऐड निकाला वर चाहिए सिटी, लेकिन जब भी किसी ने उसको कोई परफॉर्म नहीं दिया तो उसको क्या हुआ कि मैं कैसी हूं बैड लक, मेरा जो भाग्य है वो कैसा है बेकार, मिसफॉर्च्यून, ठीक है। जब उसने ऐड भी निकाला क्या वर चाहिए कहां का होना चाहिए सिटी का, उसके बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो उसने कहा कि मेरा लक कैसा है बैड, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटिंग सैड, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं मोरोस, या बोलते हैं व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटिंग बैड लक, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं एडवर्सिटी। वरेट के लिए क्या बोल सकते हैं स्क्वाड बोल सकते हैं। देखते हैं कुछ ही बच्चे हुए अपराइट, अप राइट, देखो अपराइट क्या है, अप राइट, आप का मतलब होता है आप, देखो जरा इसको तो क्या लिखा हुआ आप अगर कैसे हैं राइट मींस ठीक है, आप अगर कैसे हैं ठीक है, तो इसका मतलब आप कैसे पर्सन है ऑनेस्ट पर्सन,
मीन्स ईमानदार, अपराइट का मतलब होता है ईमानदार, ठीक है, और ऑनेस्ट का मतलब भी होता है ईमानदार। फिर देखते हैं वर्सिटी, क्या लिखा होगा, वैलिड की, क्या चाहिए, वर्ब कहां का होना चाहिए, सिटी का। ऐसा क्यों, क्योंकि बोली की सिटी के लिए जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब होता है ईमानदार से या फिर सच्चे से, ठीक है। आगे देखते हैं मॉर्बिड, क्या लिखा हुआ, मोर, मोर बिड, ठीक है। आई अगर इस पे हम लोग कंबाइन कर देंगे तो मोर का मतलब होता है अधिक, मोर का मतलब क्या होता है, अधिक, जिसकी स्पेलिंग होती है एम ओ आर ई, लेकिन यहां पे ये भी लिखा हुआ है क्या, मोर, जब इसका प्रोनाउंस लिखे देखेंगे तो क्या लिखा हुआ, मोर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोर को मतलब क्या होता है, अधिक, और बिड है लेकिन आई जोड़ दी तो क्या हो जाएगा, बीड़ी। अगर अधिक बीड़ी का सेवन करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, अनहेल्दी, कैसे, अनहेल्दी, ठीक है, स्वस्थ जो होगा तुम्हारा अस्वस्थ हो जाओगे, ठीक है। अब देखते हैं अपराइट हो गया, वर्सिटी हो गया, मॉर्बिड हो गया, अब लिखा हुआ बेस मिर्च, ये क्या है, बेस मिर्च, देखो ये लिखा हुआ बेस, अगर देखें सही से क्या लिखा हुआ है, बीस, ठीक है, समझ पा रहे हैं, तो इसको मतलब ये हो गया बीस, और ये जो मिर्च है, मिर्च जानते हैं ना सब्जी वाली, तो ये क्या लिखा हुआ है, मिर्च, ये क्या बना हुआ है, किसी की आईज पे, अगर कितनी मिर्च, 20 मिर्च डाल दें, कितनी, 20 मिर्च डाल दें, तो जो आईज हो जाएगी, जो आंखें उनकी होंगी वो क्या हो जाएंगी, रिम्स और डैमेज, मिर्च बेकार हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो बेस्ट मिर्च के लिए हम लोग बोलते हैं व्हाट इज द प्रॉक्सिम मीनिंग बेस्ट मिर्च, व्हाट इज सिमिलर मीनिंग बेस्ट मिर्च, तो बेस्ट मिर्च की हम लोग बोल सकते हैं कि बेस्ट मिर्च जो होता है, तो बेस्ट मिर्च की उन्होंने बोल सकते हैं उसके लिए क्या हो जाएगा, रिम्स बोलें या फिर डैमेज बोलें। फिर देखते हैं बच्चे बेस्ट मिर्च की बात क्या होगा, मॉडिफाइड, क्या लिखा हुआ, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड। एक लड़की थी और वो बहुत मोटी थी, कैसी थी, बहुत ही मोटी, ठीक है, और जब कोई भी उसको मोटी मोटी कहता था तो वो क्या करने लगती थी, फाइट करने लगती थी, क्या करने लगती थी, फाइट, मोटी फाइट, जब भी लोग उसको मोटी मोटी बोलते तो वो फाइट करने लगती थी, और बेचारी वो फाइट करते करते लड़ते लड़ते अपने आप को ह्यूमिलेट कर देती थी, मीन्स शर्मिंदगी महसूस करती थी, ठीक है। अब अगर कोई पूछे मॉडिफाइड क्या होता है, मॉडिफाइड का मतलब होता है लज्जित कर देना किसी को, या लज्जित हो जाना, या ह्यूमिलेट हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट तुम्हारा लिखा हुआ एस वाइल, लास्ट जो है तुम्हारा क्या लिखा हुआ, एस वाइल, एस वाइल का मतलब होता है ऐसा ऑयल, ऐसा ऑयल, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, जैसे कि आजकल पतंजलि या बाबा रामदेव के लिए सब चल रहे हैं, तो कैसा ऑयल का मतलब होता है तेल से, देखो ये ऑयल ओ आई एल जिसको मतलब बोलते हैं तेल, और कैसा एस वाइल मतलब ऐसा तेल दो जिससे हम क्या हो जाए, फ्री फ्रॉम ब्लेम, जिससे हम क्या हो जाए, जिसको बोलते हैं दोष मुक्त, क्या हो जाए, दोष मुक्त, ठीक है। तो ये जो है तुम लोग रिवाइज करके लाओगे, ठीक, नेक्स्ट स्टेप तुम लोगों को इसी का, तुम लोगों का टेस्ट होगा, फिर से एक बार देख सकते हैं। पीकिप, पीकिप क्या होता है, क्या बताया था, क्यों पी मैं तुमसे क्या हूं नाराज, उसने क्या बोला, पीकिप, क्यों पी मैं तुमसे क्या हूं नाराज। तो पीकिप के लिए हम लोग देखते हैं पीकिप का क्या हो जाएगा, एंग्री से हो जाएगा। यूटोपिया, यूटोपिया को हमने क्या बताया, उठोपिया, क्या आ गया, स्वर्ग आ गया, क्या आ गया, कॉश, मैं तैयारी की होता तुम उसको रिजेक्ट न किए रहते तो वहां के लिए ये हो जाएगा। मिटिगेट, बच्चा रो रहा था तो उसको किसका गेट मिला, मिटिगेट, और जब मिट्टी का गेट मिला तो बच्चा क्या हो गया, कॉम, कॉम का मतलब होता है शांत होने से होता है। लामेंट, लामेंट का मतलब होता है दुखी होने से। मुरोज, जो लोग मुंह डेली नहीं धोते वो कैसे होते हैं, बहुत ही सैड होते हैं। इसके बाद एडवर्सिटी देखो, सॉरी वरेट, वर को ही एक्ट न मिले शादी पे तो क्या किया उसने, सबको क्या किया, स्कॉल्ड किया, मीन सबको डटा। एडवर्सिटी के लिए देखते हैं एडवर्सिटी क्या होता है, एड निकला,
वर्क चाहिए, सिटिक चाहिए, लेकिन कोई उसको जब जानकारी हुई कि ऐड भी नहीं गलत था, वर्क कहाँ का होना चाहिए, सिटी का, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, तो उसने देखा कि मेरा कैसा मिसफॉर्च्यून, बैड लॉक है मेरा। अब देखते हैं अपराइट, आप अगर राइट हैं, आप अगर ठीक हैं, तो अगर ठीक हैं तो कैसे व्यक्ति हैं, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार व्यक्ति हैं। लास्ट पे देखते हैं बेस्ट मिर्च, जो बेस्ट मिर्च के लोग देखते हैं क्या हो जाएगा तुम्हारा, बेस्ट मिर्च के लिए हम लोग देखते हैं डैमेज से हो जाएगा या रिमूव से हो जाएगा। लास्ट तुम्हारा जो लिखा हुआ है एसवाइल, एसवाइल का मतलब हम लोग देखते हैं एसवाइल, एसवाइल के लिए क्या होता है, फ्री फ्रॉम ब्लेम, ठीक है, कोई दिक्कत। जी सर, सर